नमस्कार। आज का वीडियो बड़ा ही खास है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा तकदीर कब खुलेगा, मुझे सफलता कब मिलेगी, कब मैं जाके सेटल हो पाऊँगा। ये जो कब है ना, उसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। वीडियो बहुत आराम से देखिए, पूरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूँगा बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊँ, और अगर आपने इसको पूरा वीडियो देख लिया तो आप निश्चित मान के चलिए आपको किसी भी प्रकार से किसी भी पामिस्ट या किसी भी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं जान जाएंगे अपने हाथ में कि आपको सफलता कब मिल रही है। ठीक है, आराम से देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है ये। चलिए देखते हैं। मैं केवल आज क्या करूँगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आज केवल आपकी भाग्य रेखा से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में भी अलग अलग सेगमेंट में दे दूँ आपको, मुख्य रेखा पे मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, और उसके बाद में भाग्य रेखा, है ना। तो आज मैं केवल भाग्य रेखा पर मैं बात कर रहा हूँ। अगले दिन दोनों रेखाओं पर अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो बनाने से ऑलमोस्ट इसमें 25-30 पॉइंट निकलेंगे। एक एक पॉइंट को डील करने में फिर एक एक मिनट मिनिमम लगेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको फिर चीज़ें उतनी क्लियर भी नहीं हो पाएंगी, कंफ्यूज जाओगे आप। तो कोशिश करते हैं सेगमेंट में जानने की। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगे कि ये थोड़ी सी चीज़ें सही जा रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बातें सही हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, और लाइक ज़रूर करें। आपका जो भी रिफ्लेक्शन है, जो फीडबैक है, आपको सही लगे तो लाइक, गलत लगे तो डिसलाइक, जरूर कमेंट्स कीजिए, किया कीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ना, हम कभी भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा भाग्य कब जागेगा, या फिर हम कब सक्सेसफुल होंगे। यह हर किसी का प्रश्न है, सही बात है, हर आदमी प्रयत्न इसीलिए करता है। तो जब भाग्य की बात आती है तो हम सबसे पहले एक ही रेखा पर जाके झांकते हैं, जिसको बोलते हैं भाग्य की रेखा, जिसको बोलते हैं शनि की रेखा। जो भाग्य है ना, वो उसका जो आधिपत्य समझो, या उसका जो मालिक है, वो शनि को कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, शनि कर्म है ना, और कर्म से ही भाग्य का जन्म होता है। कर्म भी दो प्रकार के हो रहे हैं यहाँ पे। एक कर्म हो रहा है जो अभी संसारिक जीवन में हम जी के कर रहे हैं, ठीक है ना। आप हम सब कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किसको पाने के लिए, पैसे को। इसीलिए धन का भी अधिपत्य किसको है, शनि को है। तो शनि ही शनि को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कर्म की बात की थी, दो कर्म है। एक आप जब जन्म लेके यहाँ से करते हुए आ रहे हो, वो कर्म हो गया, और एक कर्म जो है ना, हम जन्म लेने से पूर्व करके आए हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्व जन्म का फल, है ना। तो वो पूर्व जन्म के कर्म है ना, उसको भी हमको हिसाब किताब करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों का सामंजस्य ऐसा बनता है कि शनि कर्म भी है और शनि भाग्य भी है। कर्म से जो प्राप्त होता है वही भाग्य है, राइट। भाग्य से प्राप्त कर्म नहीं होता है, कर्म से भाग्य होता है, और फिर भाग्य से कर्म की प्राप्ति होती है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए, आपने अच्छे कर्म अगर किए हैं तो आपको अच्छा कुल मिलेगा, अच्छा खानदान मिलेगा, अच्छा एक प्लेस, मतलब प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, अभी दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक भिखारी के घर में, एक बड़ा रईस के घर में। उस बच्चे का अगर आप देखोगे तो वो तो जीरो था ना, जहाँ से स्टार्ट किया उसने, उसके कर्म तो ख़राब नहीं थे। तो कर्म कहाँ से ख़राब थे, पिछले जन्म से। तो बस वही है, तो उस कर्मों के कारण से उसको भाग्य की प्राप्ति हुई, और उस भाग्य के कारण से वो ऐसा कर्म करेगा। हो सकता है अपना कर्म बहुत अच्छा करे, तो सूत पुत्र होकर भी कर्ण जो है कृष्ण के प्रिय बन गए थे। तो अपने कर्मों का अधिकार हमको ईश्वर ने यहाँ पे दिया है, वो भी हम यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, उसमें नो डाउट है। लेकिन फिर भी आज हम भाग्य रेखा की बात कर रहे हैं, तो मैं कहीं टॉपिक से बाहर निकल गया था, लेकिन निकला नहीं था, मैं समझाने की कोशिश में था। चलिए देखिए, सबसे पहले ना, भाग्य की रेखा का शुद्ध होना ज़रूरी है। तो हम शुद्धता कैसे परखेंगे, अगर आपको दिखता है कि रेखा कहीं पे मोटी हो रही है, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल धूमिल हो गई है,
कहीं पे बहुत द्वीप बन रहा है, कहीं पे क्रॉस बन रहा है, या फिर टूट टूट कर रेखा चल रही है, ऐसा कुछ भी प्रकार का दोष अगर दिखता है तो उसको हम कहते हैं रेखा की क्वालिटी ख़राब है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, जैसे सपोज़ कीजिए ये आपकी भाग्य रेखा थी, अब यहाँ से लेकिन नीचे का जो सेगमेंट है यहाँ पे भाग्य रेखा एकदम टूट टूट के चल रही थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इस एज में पहुँचेंगे आप, किस एज में, इस एज में, अब इस एज में बोलने से इस एज में ऐसा नहीं है, भाग्य रेखा की आयु गणना ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप भी देख रहे हैं ना, इसके बिना वो उसके बिना ये वीडियो अधूरा हो जाएगा, मैंने बिल्कुल बनाया हुआ है। आप भाग्य रेखा की आयु गणना करके सर्च करना, वीडियो लिस्ट में जाके आपको मिलेगा, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस पर अब ये नहीं बताऊँगा कि भाग्य रेखा की आयु गणना ऐसे करो, मैं उस पर बताया हुआ हूँ ऑलरेडी, स्पेशली उसी के लिए वीडियो बनाया हूँ, वो ज़रूर देख लेना। तो अगर ये स्थिति है, इसका मतलब ये उम्र जो रहेगा ना आपका, ये बड़ा ही संघर्ष भरा रहेगा। इस उम्र तक आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आपको स्थायित्व नहीं मिलेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप भटकाव की स्थिति में रहोगे ही रहोगे, संघर्ष करोगे धन कमाने के लिए, ये ऐसी स्थिति है, दुर्भाग्य का समय होता है जब ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, फिर जैसे आप इस एज पे पहुंचोगे आपको एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, आपकी गाड़ी एकदम पटरी पे आ जाएगी और फिर निरंतर फिर आप प्रोग्रेस करते जाओगे आगे, ये स्थिति बनती भाग्य रेखा में, ऐसी स्थिति है। तो एक दूसरी देखो, अब यहाँ बहुत लोगों का एक प्रश्न आएगा, देखो बहुत समझना ध्यान से, अभी बहुत लोगों की भाग्य रेखा सीधी होती है, बहुत लोगों की भाग्य रेखा चंद्रमा से भी जाती है। ठीक है, तो अब जिसका चंद्रमा से है ना, उसके लिए एक खास पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। कई लोग बोलते हैं, अब YouTube पे भी सुनते हैं ना, जिसकी चंद्रमा से निकली भाग्य रेखा है तो घर से बाहर निकलेगा तो ही जाके तरक्की होगी, या विवाह के बाद ही तरक्की होगी, ऐसा कहना गलत नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से सही भी नहीं है। देखो ध्यान देना क्या होता है, इसको आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं दो रेखा बना रहा हूँ, चंद्रमा से निकलता हुआ भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा चंद्रमा से निकला हुआ ये बना, ठीक है, एक चंद्रमा से निकला हुआ भाग्य रेखा ये बना, दो भाग्य रेखा है, दोनों चंद्रमा से निकला हुआ है, क्या दोनों के लिए फल वही होगा, आप देखना क्या अंतर क्या आता है। ये जो पट्टी है ना, मैं पट्टी बनाता हूँ एक, इसको समझना है आपको, यानी शनि की उंगली के निचले का जो हिस्सा होनी है, जो पूरा दायरा होगा ना, ये पूरा दायरा जहाँ पे मैंने डॉटेड करके बनाया ये दायरा, ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं शनि की पट्टी। अब शनि की पट्टी से इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, ठीक है ना। अब इस पट्टी को मैं दो हिस्से में तोड़ देता हूँ। पहला हिस्सा ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, मान लो एक ही मैं इसको हटाता हूँ, एक ही भाग्य रेखा बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखो ये हो गया, ये शनि की पट्टी हो गई, ठीक है। अब ये ना जो भाग्य रेखा जो चंद्रमा से निकली थी उसको दो हिस्से में तोड़ देते हैं, एक हिस्सा से यहाँ काट देते हैं मान लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब क्या हो गई, ये हमारी हो गई भाग्य रेखा, करेक्ट, यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी भाग्य रेखा। अब ये नीचे की जो रेखा है ना, इसको हम चंद्र रेखा समझ लेते हैं, जो चंद्रमा से निकली हुई भाग्य रेखा है, या चंद्रमा से निकली हुई रेखा है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अब हमको क्या देखना है, जिस उम्र में जाके चंद्रमा से कोई निकली रेखा या चंद्र रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श करती है, उस उम्र में हमारा भाग्योदय होता है, ऐसा बोल सकते हो, या फिर जिस उम्र में आपकी ये रेखा शनि की पट्टी में एंट्रेंस करेगी उस उम्र में आपका भाग्योदय होगा और निश्चित रूप से होगा, ठीक है। तो या आप देखो, उसी उम्र में अगर आपका विवाह होता है, सपोज़ इसी पैरेलल उम्र में आपका विवाह हो जाता है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो विवाह बहुत शुभ होगा, क्योंकि विवाह के बाद में तरक्की होगी, ये तो होना ही था आपको, क्योंकि जैसे शनि की पट्टी पे इंटर करेगी तो आपको तरक्की होना था, है ना। तो आपको इस हिसाब से समझना, एक हो गया। दूसरा चीज़ आप मान लेते हैं, इसी को दूसरा एग्जांपल देखो, अब ये भाग चंद्र की रेखा जो चंद्र से निकलने वाली रेखा यहां से निकली, तो इसका मतलब अब यहां पे जाके वो इसके लिए बहुत अच्छा एज रहेगा, शनि की पट्टी पे जैसे वो आएगा, तब क्या होगा, हो सकता है विवाह इसके पहले हो गए हों, लेकिन विवाह के बाद में जिस उम्र में जैसे ये पहुंचेगा उस उम्र में इसके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाएगा इसका भाग्य, और इसके बाद ही तरक्की बहुत शानदार तरीके से करेगा, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो शनि की पट्टी पर ध्यान रखें,
ठीक है ना, ये बताना जरूरी था शनि की पट्टी का कॉन्सेप्ट, अक्सर यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये इस तरीके से आपको देखना है। अब इसी भाग्य रेखा में, जो चंद्रमा से निकली हुई भाग्य रेखा में, अब गड़बड़ एक और चीज़ की आती, बड़ा ध्यान से समझना नहीं तो पूरी चीज़ गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है ना। ये मान लेते हैं हम तीन मुख्य रेखा है ये, अभी आपकी चाहे भाग्य रेखा चंद्रमा से निकले चाहे कहीं से भी निकले, ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना, मैं चंद्रमा से निकाल देता हूँ। चलो ये जाके सीधा सीधा गई और मस्तिष्क रेखा में जाके रुक गई, आगे नहीं बढ़ी, बहुत ध्यान से देखना अपने हाथ में इसको, नहीं तो पूरा फल गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपकी भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी निकले, चंद्रमा से निकले या सीधी होके निकले, कहीं से भी निकले, निकल के जाके मस्तिष्क रेखा में रुक जाए, बिल्कुल ब्लॉक हो जाए मस्तिष्क रेखा में जाकर, तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती, फिर ये भाग्य में हानि है। व्यक्ति अपने भाग्य का नाश स्वयं करता है और अपने ही कुबुद्धि से करता है, ठीक है, ऐसे कोई निर्णय लेता है जो नहीं लेना चाहिए, यानी अपने भाग्य का स्वयं नाश करने की स्थिति को ये बताता है, तो ये गड़बड़ स्थिति हो जाएगी, टॉपिक के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगर ये जाके रुकी है तो आदमी ऐसे निर्णय लेता है जो उसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे मजबूर करता है, तो इसको ध्यान रखें। ऐसे लोगों को बहुत कोई गुरु, कोई एक अच्छा सजेशन देने वाला कोई होना चाहिए इनके लाइफ में, नहीं तो फिर गड़बड़ जरूर करते हैं, ठीक है। वैसा ही अगर सपोज़ करो ये रेखा जाके मस्तिष्क रेखा में ना रुके, हृदय रेखा में जाकर रुके, हृदय रेखा में बिल्कुल जाके मिल गया, आगे नहीं निकला है, चाहे थोड़ा सा भी आगे निकलेगा तो अच्छा स्थिति है, जैसे थोड़ा सा भी अगर इतना सा भी आगे निकला ना इतना, तो अच्छी स्थिति है। अगर लेकिन एकदम संपूर्ण रूप से जाकर रुक जाए, ये अच्छी स्थिति नहीं होती, चाहे मस्तिष्क रेखा में रुके चाहे हृदय रेखा में रुके। हृदय रेखा में अगर जाकर रुकेगा तो इसका ये मतलब होगा कि व्यक्ति इमोशनल फैसले लेगा, अपने परिवार के तरफ में अपने फैसलों को इतना ज़्यादा पिरो देगा कि ये अपनी तरक्की को स्वयं बाधित कर लेगा, ये ऐसी स्थिति को बताता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, ऐसे अगर बना हुआ है तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल होकर जीना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर फैसले लेना चाहिए, खास करके पैसों से संबंधित फैसले, अपने करियर से संबंधित फैसले प्रैक्टिकल लेने चाहिए, बिल्कुल। ऐसे लोगों को इमोशनली बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो करना है पैसे के मैटर पे, नहीं तो ये गड़बड़ जरूर होगा आपसे, और बहुत बड़ा गड़बड़ होगा, ठीक है ना। तो ये अपवादी की स्थिति थी, इसलिए मैंने इसको बताया। अब देखो भाग्य रेखा में, अभी जस्ट मैंने शनि की पट्टी का कॉन्सेप्ट आपको दिया, अब आपको देखना है उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा देते हैं। चलो ये आपकी भाग्य रेखा थी, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक चंद्रमा से रेखा आई और इस पर टच हो गई, आपके हाथ में हो सकता है यहाँ पे आई होगी, हो सकता है किसी की यहाँ पे आई होगी। एज मैंने कहा है आपको, आयु गणना का वीडियो देखना है तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किस एज में हम बात कर रहे हैं या आपके हाथ में किस एज में है, वो वीडियो देखने के बाद आप स्वयं जान जाएंगे कि आपके हाथ में कौन से एज में बना है, आपको खुद निकालना आ जाएगा अपने हाथ का एज कैसे निकालना, खुद सीख जाएंगे आप, वीडियो 15 मिनट का देख लोगे तो। ये हो गया, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये हो गई भाग्य रेखा, ये हो गई चंद्र की रेखा, है ना। चंद्रमा क्या होता है हमारे लाइफ में, चंद्रमा हमारे लाइफ में हमारे मित्रों का, दोस्त यार का, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, ठीक है, ध्यान रखना, दोस्तों का, मित्रों का या फिर बाहरी व्यक्तियों का सहयोग। आप यहाँ पे देखो, समझना, चंद्रमा से एक भाग्य, इसको भी भाग्य रेखा ही है, चंद्रमा से जो निकली रेखा है वो वन काइंड ऑफ भाग्य रेखा ही है। आप देखो ये रेखा जाके अपना बल किसको दे रही है, भाग्य रेखा को, ठीक है, ये स्तंभ खड़ा करने में एक सहारे की जैसा काम कर रहा है। तो ये चंद्रमा जब भाग्य रेखा को भाग्य रेखा को सपोर्ट करती है ना, तो ऐसे समय में ये निश्चित मान के चल लो कि ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बाहरी मसीहा आएगा जो उसको मदद करेगा और उसके मदद से उसका भाग्य का निर्माण होगा, ठीक है, और फिर उसको एक प्रोग्रेस का चांस मिलेगा, कुछ अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, हो सकता है नौकरी लग जाए, हो सकता है व्यापार में बहुत स्टेबिलिटी वो व्यक्ति के कारण से आ जाए, ऐसा कुछ भी उसके जीवन में ज़रूर होगा। एक हो गया, दूसरा इसका बिंदु क्या निकलता है इसी रेखा का, अब बाहरी व्यक्ति के जीवन में आना, हो सकता है आपकी उस उम्र में शादी हो जाए, ठीक है, या कोई अटैचमेंट हो जाए, कोई भी होगा, तो उस व्यक्ति के कारण से
अब ये मान लो आपकी पत्नी है, शादी की आपने, अब इस शादी के कारण से आपके जीवन में आपके भाग्य में उन्नति हो गई, ये ऐसा भी समझ सकते हो उसको, अगर शादी का एज मैच हो रहा है तो। इसीलिए भाग्य रेखा में कभी कभी शादी विवाह को देखने के लिए भी कई लोग इस रेखा को देखते हैं, ये एक रेफरेंस मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल कतई जरूरी सही नहीं है कि अब मान लो दो रेखा है तो दो विवाह नहीं, एक ही विवाह हुआ, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिस उम्र में विवाह हुआ है विवाह को केवल इसी बिंदु से देखेंगे ये गलत है। इस बिंदु से केवल इतना ही पता चलता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इस बाहरी व्यक्ति के आने के बाद में जीवन में आप में प्रोग्रेस का भरा आपको माहौल मिलेगा, ये इसको बताता है खाली, ठीक है ना। एक हो गया, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब इसमें ना कुछ अपवादी की स्थितियाँ, बड़ा ध्यान से देखना है इसको। अभी मान लो मैंने ये रेखा बनाई थी, ठीक है, चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा, जो भाग्य रेखा को जाके सपोर्ट दे रही है, ठीक है। अब आपको ये देखने को मिले कि यहीं पे एक ऐसी राहु रेखा कटी हुई है, ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। अब देखना, चंद्रमा से रेखा भी है, भाग्य रेखा भी है, और वहीं पे जहाँ पे बिल्कुल ये ज्वाइंट कर रही है चंद्रमा से निकलने वाली रेखा भाग्य रेखा को, वहीं पे एक छोटी सी राहु रेखा कट मार रही है। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, ठीक है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में मसीहा बनकर आएगा, या फिर आपका प्रेमी बनकर आएगा, या फिर आपका कोई दोस्त बन के आएगा, कोई भी रूप में आपके जीवन में आएगा, और आने के बाद में ये राहु रेखा का मतलब क्या है, ये चीटिंग, धोखा, फरेब, कोई ना कोई प्रकार से उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आपने डिसीजन लिया और आपको नुकसान हो गया, ये आदि चीज़ों को बताता है। ऐसी स्थिति बनी है तो इसका मतलब बाहरी व्यक्ति के द्वारा आपके धन का नुकसान या आपके भाग्य में नुकसान, भाग्य और धन की रेखा एक ही है, ठीक है ना। अभी कोई व्यक्ति अगर कमाता नहीं है तो उसके लिए भाग्य में हानि करेगा, और अगर कमा रहा है तो धन में हानि करेगा, या फिर दोनों हानि कर सकता है, तो उसको दोनों तरीके से लेके चलना। तो ये इस चीज़ को बताया, बाहरी व्यक्ति के जीवन में आना, उसके कारण से धन का नुकसान होना, समझ गए। अब ये हो गया चंद्रमा से निकलने वाली रेखा का मतलब। अब इसमें एक और स्थिति मैं बताता हूँ, देखो ये भी बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। अभी तो सब चीज़ स्थिति सब बराबर थी, मेरा तो ऐसा है सर, लेकिन मेरा तो फिर शादी के बाद से, या फिर मेरा जीवन में कोई किसी ने इन्फ्लुएंस जब से आया है व्यक्ति, उसके बाद से जीवन मेरा नरक हो गया है, पैसे तो बर्बाद हो रहे हैं, अभी मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति भी होती कई लोगों की ना। अभी देखो क्या होता है, ये स्थिति देखो जिसके हाथ में ना, वही समझ सकता है एक प्रॉब्लम, और मैं कोशिश करता हूँ आपको और समझाने का। देखो जैसे ये रेखा गई चंद्रमा से निकलने वाली रेखा, जैसे जिस उम्र में टच की, अब मान लेते हैं थोड़े देर के हम इसको एक ही एंगल पे लेके चलते हैं, हालांकि इसके एंगल अलग भी हो सकते हैं जो मैंने बताया पहले। अभी मान लेते हैं शादी है किसी की, इस व्यक्ति का शादी हो गया इस उम्र में, और उसके बाद में ये जो भाग्य रेखा की स्थिति है यहाँ पे द्वीप बन गया, ठीक है, या फिर भाग्य रेखा चौड़ी हो गई, या फिर भाग्य रेखा में कोई भी प्रकार से दोष बन रहा है इस रेखा के आने के बाद, यानी ऊपर की तरफ, इस रेखा में आने के बाद ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि शनि को बुढ़ापा कहते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से केतु का आपका बचपना का क्षेत्र है, तो केतु से शनि का जो ट्रैवल है यही लाइफ है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा इस तरीके से हमको समझना है, अगर भाग्य रेखा इस ज्वाइंट रेखा के बाद ख़राब हो रही है, इसका मतलब वो जो व्यक्ति आया है आपके लिए पनौती है, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा, आपके लिए फिर वो दुर्भाग्य का समय है, ये मान के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक स्थिति, और आगे बढ़ते हैं भाग्य रेखा से संबंधित बिंदु पर। अब ये जो बिंदु बता रहा हूँ ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, और बहुत लोग इस चीज़ के बारे में पूछते भी हैं मुझसे। देखो इस हाथ में आपको क्या देखने को मिला, इसकी भाग्य रेखा केवल और केवल जीवन रेखा से निकली है, और है ही नहीं, बस ऐसा ही है हाथ में, ठीक है ना। मैं अभी दो रेखाओं को नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, जीवन रेखा, सॉरी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, भूल जाओ, केवल हम भाग्य रेखा पे बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या समझा जाएगा, भाग्योदय कब होगा। अब अगर ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो आप निश्चित मान के चलें आपको भाग्य रेखा की आयु गणना नहीं करनी है, ऐसी स्थिति में आपको जीवन रेखा की आयु गणना करनी है। यहाँ गड़बड़ बहुत लोग करते हैं,
ठीक है ना। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि ये जीवन रेखा से निकलने वाली प्रोग्रेस लाइन है जो इतनी लंबी है कि भाग्य रेखा का रूप ले ली है, समझ गए? इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से देखना है। तो जीवन रेखा का आयु गणना, इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये जब आपका उम्र यहाँ पहुँचेगा, जब इस उम्र में आप पहुँचोगे, ठीक है ना, तो ये जो आपको प्रोग्रेस मिलेगा, जो स्टेबिलिटी मिलेगी, ये आपको सेटल करेगी। क्यों सेटल करेगी? क्योंकि उसके बाद से भाग्य रेखा को ये माना जाएगा कि जीवन रेखा के साथ साथ चल रही है, ठीक है। जीवन यानी कि जीवन भर भाग्य का साथ मिलेगा बुढ़ापे तक, ये माना जाता है ऐसी स्थिति में। इसके कुछ अपने और भी अर्थ हैं। ऐसे जिसका भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलता है, ऐसे लोगों को कितना भी बड़ा कुल खानदान में ये पैदा हो जाए, ठीक है ना, इनको परिवार वालों का सहयोग नहीं मिलता, परिवार वालों से उपेक्षा मिलती है, इनके अपने ही इनके लिए पराया के जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यक्ति अपने परिवार के लिए सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है। ये भी इनकी खास बात होती है, बहुत परिवार से प्रेम करते हैं, लेकिन वो परिवार इनसे प्रेम नहीं करता है, वो इनका सहयोग नहीं करेगा, उनसे कोई प्रकार की मदद नहीं मिलती, बल्कि प्रॉब्लम मिलती हैं ऐसे लोगों को, ये स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन ये अच्छी स्थिति है जब इस उम्र में पहुँचने के बाद में, जिस उम्र से भी आपका जीवन रेखा और भाग्य रेखा का मिलन हो रहा है, उस उम्र से आपकी स्थिति भाग्योदय की स्थिति बहुत प्रबल बनेगी, ये 100% है, ठीक है। चलो और बताता हूँ। अब देखो ये जो भाग्य रेखा में ना बहुत लोगों की ऐसी भाग्य रेखा मिलती है, ये हमारी हो गई हृदय रेखा, ये मान लो मस्तिष्क रेखा, और ये आपकी जीवन रेखा। अभी किसी की भाग्य रेखा इतनी ही मिली, अब इसका क्या मतलब समझे हम, यानी कि शनि और मंगल का मिलन। तो इसमें ये जो शनि और मंगल का मिलन है ना, इसको बड़ी ध्यान से देखना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होगा। अब कैसे होगा, अगर ये रेखा शुद्ध है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, और ऐसी कर्व लेके चल रही है, या सीधी भी है, फ्लैट होके भी आ रही, वो भी चलेगा। ये रेखा अगर है तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन के तरफ में जाता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़ता है, ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैं भी साइड करता हूँ, भाग्य के लिए मैं बात करता हूँ। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल से पहले नहीं होता, भले जॉब वॉब कर ले, स्टार्ट कर ले नौकरी, वो अलग बात होता है, लेकिन ये 42 साल तक संघर्ष करेगा और प्रबल संघर्ष करेगा, ठीक है। जीवन में एक या दो बार इनके एक्सीडेंट के योग बनेंगे, दुर्घटना के योग बनेंगे, ये इस चीज़ को भी बताता है। अचानक से धन का बड़ा नुकसान भी होता है एक से दो बार, लेकिन 42 के बाद में इसका लाइफ बहुत सेटल हो जाता है। इसके 42 के बाद में ऐसे लोगों को फिर ज़मीन से या ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों से बहुत लाभ होता है, ये अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन 42 साल तक ये जीवन में संघर्ष करेगा 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 और करेगा, इसमें नो डाउट, उसको करना पड़ता है संघर्ष। ये एक बंधन है, शनि का बंधन है। और वैसे ही एक और बंधन के बारे में आपको बताता हूँ, देखिए बिल्कुल एक और बंधन जो बिल्कुल बाधित है, ये आपकी हो गई भाग्य रेखा, ठीक है। अगर आपको ऐसी भाग्य रेखा दिखाई दे, हथेली में कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे दे एक छोटी सी रेखा, ठीक है, ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है आपको। कई लोग बोलते हैं ना, एक शनि के नीचे में मेरी एक आड़ी सी रेखा है और वो भाग्य रेखा को काटी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसने लिख दिया है शनि ने कि आपको 36 से पहले सफलता नहीं मिलेगी, 36 तक आपको रगड़ाई होगी, 36 तक आपको आटा दाल क्या रेट है ये सब चीज़ मालूम करना पड़ेगा भाई, 36 के बाद में जाके आपको सफलता मिलेगी, 36 से पहले आपको ये सफल नहीं होने देगा, बहुत संघर्ष कराएगा। कितना भी टैलेंट आपको लेके आओ, वो टैलेंट का आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको हमेशा लगेगा कि ईश्वर है भी कि नहीं दुनिया में, ये 36 तक ऐसा करते हैं। लेकिन 36 के बाद में फिर आप बहुत आगे से जाओगे, जितना आपको ब्रेक लगाया था ना, सारा ब्रेक पूरा मेकअप हो जाएगा 36 के बाद में। ये बहुत अच्छी रेखा है, ख़राब रेखा नहीं कहूँगा मैं इसको, अच्छी रेखा है, ठीक है। दुनियादारी को समझाता है, उसके बाद में आगे बढ़ाता है, तो ये अच्छी रेखा है। अब देखो एक और बताता हूँ, यही भाग्य रेखा में रुकावट वाली स्थिति पे हम बात कर रहे थे, एक और बताता हूँ रुकावट की स्थिति। ये आपकी सूर्य रेखा, देखा आपने, अभी सूर्य रेखा से एक जड़ से निकली रेखा और जाके शनि पे चली गई, ठीक है, ये आपकी हृदय रेखा हो गई। हृदय रेखा के ऊपर से सूर्य रेखा से निकलकर एक रेखा शनि की तरफ में जा रही है। ये रेखा भी बताती है कि 36 साल से पहले आप कुछ भी कर लो, आपको सफलता उतनी अच्छी लेवल में नहीं मिलेगी,
एक और चीज़ों को बताता है, ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करते हुए मिलेंगे, या इनका जो जॉब या जो बिजनेस का प्रोफाइल है कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ ज़रूर होगा, विदेश या विदेशी टर्म से जुड़ा हुआ ऐसे लोग कार्य करते हैं, इसीलिए MNC वगैरह में आपको ज़्यादातर मिलेंगे ऐसे लोग, ये रेखा जिसके हाथ में होती है, ठीक है। और देखो अब दूसरी स्थिति पर बात करते हैं, कुछ अच्छी स्थितियों पर भी बात करते हैं। चाहे भाग्य रेखा आपकी कहीं से पर हो उसको नहीं देखना है, केवल ये देखना है अगर आपके भाग्य रेखा में ऐसे कांटे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो भाग्य रेखा की आयु गणना का वीडियो देखना जरूरी है इसको समझने के लिए, वो देख लेना। और जिस जिस उम्र में, जैसे ये उम्र, ये उम्र, ये उम्र, ये जिस भी उम्र में ये कांटा आपके भाग्य रेखा से निकला है, उस उम्र में आपको बहुत बड़ा गेन होगा, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, बहुत बड़ा आप कुछ लाइफ में अचीव करोगे फाइनेंशियली, ये इस चीज़ को बताता है, ठीक है। कुछ मेजर असेट्स आपको उस समय जीवन में प्राप्त होंगे, ये इस चीज़ को बताता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, राजयोग हो गया ये, ठीक है ना। वैसा ही दूसरा देखो भाग्य रेखा में, अगर आपको भाग्य रेखा में कहीं पर भी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, और जितना ज़्यादा बनेगा उतना अच्छा, एक है तब तो बहुत अच्छा है, दो है तो उससे भी अच्छा है, तीन है, चार है, पाँच है, तो फिर तो आप महाराजा राजा अपने उससे, इस टाइप की स्थिति जनरेट होती जाएगी। बहुत श्रेष्ठ होता है भाग्य रेखा में त्रिभुज का बनना, ये अपने आप में बहुत भारी सफलता, कोई जैसे कि कोई बंदा है अभी, बहुत आप में से भाई लोग या जो बहन है वो सब तैयारी करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। आप देखिए अपने हाथ में, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा में ट्रायंगल है और भाग्य रेखा की आयु गणना में देखिए कि वो एज कौन सा आ रहा है, अगर आपके एज के बिल्कुल एक दो साल आगे पीछे दिखता है आपको, ठीक है, तो क्या कि समझना है, तब समझ लेना है कि आपके आने वाले समय में आपको चांसेस एकदम क्रिएट होकर भगवान ने रखे हैं, थाली परोस के रखा है, बस आपको जाके खाना है। तो खाना मतलब आपको जो इस साल आप प्रयत्न कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव होकर करिए, आपको नेक्स्ट ईयर 100% योग बना है, योग का लाभ उठाइए, ये इस चीज़ को बताता है। ज्योतिष टेंशन का सब्जेक्ट है, टेंशन का नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका योग बना है इसका मतलब आराम से बिस्तर में सो गए अब तो मेरा तो योग बना है, नौकरी मिली जाए, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा है कर्म से भाग्य का और भाग्य से कर्म का, ये जो चक्र है ना, इस चक्र में इंसान को फंसना पड़ता है, और ये नहीं फंसोगे आप, उससे बाहर निकलोगे सोचोगे भाग्य में तो लिखा है मुझे मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुश्किलें हो जाएंगी फिर, ठीक है ना। उस भाग्य को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो उससे, या फिर बोलो कि नियति आपको कर्म कराएगी ही अगर आपके भाग्य में लिखा है तो, ये भी बोल सकते हो, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्थिति अच्छी होगी, ऐसे लोगों का स्वयं का मकान होता है, स्वयं की एक पहचान होती है, ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसके बारे में जितना कम कहूँ और जितना ज़्यादा कहूँ उतना कम है, ठीक है, अच्छी स्थिति है। लाभकारी स्थिति, कुछ सरकारी पद पर प्राप्त होना, कुछ मेजर लाइफ में भूमि भवन वाहन आदि मेजर एसेट्स प्राप्त करना, ठीक है, कोई बड़ी सफलता जो भाग्य में बिल्कुल आपको चमका के रख दे, ऐसी कोई चीज़ें उस उम्र में, जिस उम्र में ट्रायंगल बनेगा। अब देखो इस ट्रायंगल से भी बड़ी सफलता या उसके बराबर ही ये बोलो, लेकिन फिर भी ये मैंने बहुत लोगों को बड़े पद की नौकरी प्राप्त करते हुए देखा, जैसे IAS IPS या फिर बोलो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर जिसको हम एक अच्छे रैंक पे देखते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में ये चीज़ें जनरली देखने को मिलेंगी। अगर आपकी भाग्य रेखा में ये मछली बन गई, ठीक है ना, ये मछली का चिन्ह बन गया है, ठीक है, चाहे इस साइड बने चाहे इस साइड बने, कहीं पर भी बने वो मैटर नहीं करता है, मछली का अगर चिन्ह बना हुआ है तो ये क्या बताता है, मछली जो है जिस उम्र में बना है, अब ये जो मछली का उम्र हम कहाँ से देखेंगे, जहाँ से इसका मुंह जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ से इसका मुंह जनरेट हो रहा है, ऊपर ऊपर वाले हिस्से से देखेंगे, तो ये अगर बना हुआ है आपके मछली, तो ये मान के चलना कि आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है। अगर आप राजनीति में चुनाव लड़ने वाले हो तो चुनाव में विजय को बता रहा है, अगर आप सरकारी नौकरी ट्राई कर रहे हो तो सरकारी नौकरी में उच्च ओहदे की पद की बात कर रहा है, छोटे मोटे पद की बात नहीं कर रहा है, बड़े ओहदे की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो उस उम्र में आपको कुछ बहुत बड़ा टेंडर, कुछ बहुत बड़ी कुछ प्रॉफिट होने वाली है, ये इस चीज़ को बताता है, ये छोटे लेवल की स्थिति नहीं, ये बहुत बड़े लेवल की स्थिति है, ठीक है ना, बड़े लेवल का प्रॉफिट को बताता है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब वैसा ही
अब देखो कई लोगों को फाइनेंशियल गेन होता है ना, तो जुआ सट्टा लॉटरी आदि चीज़ों से अचानक से गड़ा धन प्राप्त हो जाना, ये तो हम सुनते हैं ना, उनके लिए कुछ स्थिति बात करता हूँ। ये इसको उस एंगल पे भी ले सकते हो, अचानक से आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ फेम ऐसा मिल जाए, बहुत बड़ी कुछ भाग्य में उपलब्धि प्राप्त हो जाना समझो। अब मैं इसको क्या ही बताऊँ, अगर आपको ये मिले देखो, अब यहाँ पे इसको एक चुन में पोजीशन गलत हो गया, इसको मेरे को यहाँ बनाना चाहिए था। देखो अब यहाँ क्या दिख रहा है, आपके राहु के क्षेत्र में आपको एक स्टार दिख रहा है, ठीक है। अब वो स्टार इस तरीके से बना हुआ है कि ये जाके भाग्य रेखा को टच कर रहा है, ठीक है ना, भाग्य रेखा को टच। ध्यान रखे काटे नहीं, जैसे यहाँ भी इस चित्र में दिख रहा है ना, काट दिया है, ऐसा काटना नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान वाली स्थिति बनेगी। अगर वो केवल टच किया भाग्य रेखा को और ऐसा राहु में स्टार बना है, उसकी एक शाखा जाके भाग्य रेखा को टच की है, ये स्थिति है। अगर ये भी बताता है इस उम्र में जैसे पहुंचोगे आप, इस उम्र में ये टच किया, इस उम्र में जैसे आप पहुंचोगे, कुछ बड़ा आपको अचानक से मिलेगा जो अनप्लान्ड वे में होगा, आपको ये आपने कल्पना नहीं की होगी, ऐसा कुछ बड़ा सा प्रॉफिट आपको जीवन में मिलेगा, जैसे लॉटरी लग गया, कोई अचानक से किसी को कोई धन मिल गया, चाहे कुछ भी तरीके से कुछ मिल गया उसको, है ना, या कुछ अचानक से ऐसी, जैसे रील्स डेली डालते हैं भाई, कई लोग हैं डेली रील्स डाल रहे हैं और बिना कोई सोच के डाल रहे हैं, बस अपने इन्जॉयमेंट में डाल रहे हैं, ऐसा रील हो गया कच्चा बादाम, तकदीर बना दिया, ठीक है। इस टाइप की स्थिति, ये ऐसी कुछ भी स्थिति हो सकती है जो अचानक से आपको अनप्लान्ड वे में मिल जाए, जिसके लिए आप प्रयत्न ना किए हों, बिना प्रयत्न के देना, ये केवल राहु के हाथ में है, ठीक है। तो ये काम करता है अगर भाग्य रेखा के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बनता है। अब देखिए मैंने अभी तक भाग्य रेखा से जुड़े हुए बहुत सारे बिंदु बताए, अभी बहुत लोग होंगे जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होगी, वो बड़ा उदास होंगे कि यार अपना तो भाग्य ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो अभी मैं कुछ चीज़ें आपके लिए भी बता देता हूँ, अगर आपके भाग्य रेखा नहीं है कोई बात नहीं, आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है। अगर आपको ऐसी रेखाएँ उठते हुए दिखाई दे दें, मस्तिष्क रेखा में ऊपर की तरफ कांटे निकल रहे हों, ऐसी रेखा दिखाई दे दे, या केवल आपको मस्तिष्क रेखा, ये शनि की रेखा है, भाग्य रेखा नहीं, शनि की रेखा, एक मस्तिष्क रेखा से रेखा निकल कर शनि पर्वत तक चली गई हो, ऐसी कोई रेखा हो, ठीक है, तो भी आपको नहीं सुनता, तो भी आपको समझना है कि आपके लिए अच्छी स्थिति है। अब इसको कैसे निकालेंगे, अभी कई लोग बोलेंगे ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक उम्र जाने तक तो पूरा आदमी का 50-60 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो फिर लास्ट बुढ़ापे में धन कमाएगा, तो क्या ही मतलब है ऐसे लाइफ का, बिल्कुल ऐसा मत समझना। इस भाग्य रेखा का, जब कभी भी ऐसी भाग्य रेखा आपको देखने को मिले, तो उसकी गणना आपको जीवन रेखा, सॉरी भाग्य रेखा से नहीं करनी है, उसकी गणना आपको मस्तिष्क रेखा से करनी है। इस उम्र में देखो, ये 35 साल का जब होगा ये बंदा, तो इसका 35 साल के बाद में इसका मेंटल प्रोग्रेस ऐसा मिल रहा है, इसको ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है माइंड लाइन से, जो इसको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का पात्र बनाएगी, और 35 के बाद में इसको स्टेबल कर देगी, 35 के बाद में इसका भाग्य बहुत प्रबलता से आगे बढ़ेगा, और ये अपने हुनर के दम पर अपना मुकाम हासिल करेगा। ये इस स्थिति को बताता है कि ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये भाग्य रेखा नहीं, ये शनि की रेखा है, एक संतोष की रेखा है, जीवन में संतोष भरा जीवन का बुढ़ापा संतोष में बीतेगा, ये इस चीज़ को बताता है। अपने कर्मों से अपना मुकाम बनाना, और अपने मुकाम बनाने के बाद में जीवन में संतोष की प्राप्ति करना, और संतोष प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त करना, ये स्थिति को ये बताता है। बहुत अच्छी रेखा है, बल्कि भाग्य रेखा जिसके हाथ में नहीं है, केवल ये रेखा है, तो ये ज़्यादा भाग्यशाली होता है जो इसके हाथ में है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि भाग्य रेखा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक, अभी चूँकि मैंने आज कहा था कि भाग्य रेखा पर ही मैं बताऊंगा, तो फिर अब मैं डाइवर्ट नहीं करता, चलो ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ अब इससे जुड़ा हुआ, फिर अगले दिन फिर से इसी बिंदु को बताना पड़ेगा, लेकिन आज टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ। मान लो आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपके हाथ में केवल 3 रेखाएँ हैं बस ऐसे ही, और कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप ये देखो, अगर आपके में जीवन रेखा में ऐसे कांटे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको अप टू एंड, ठीक है ना, ऐसे कांटे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, भले ही भाग्य रेखा ना हो, कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई भाग्य रेखा की,
ऐसे लोगों को भाग्य रेखा ना भी हो तो भी चलेगी। ये अपने आप में भाग्य रेखा है, अपने आप में राजयोग है। ये ऐसी रेखा जीवन रेखा के अंत तक चलना राजयोग के समान है। ऐसा व्यक्ति कभी भी छोटा व्यक्ति नहीं हो सकता। मिडिल क्लास जीवन तो बिल्कुल नहीं जिएगा, ये अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास जीवन जरूर जिएगा अपनी लाइफ में, ये निश्चित रूप से मान के चलना, ठीक है ना। ये अपने आप में एक राजयोग है। बहुत हर 4 साल 5 साल 3 साल जितना भी एज का एक डिफरेंस होगा, उतना एज में इन लोगों को जीवन में प्रोग्रेस मिलते रहता है, मिलते रहते मिलते रहते ये आगे ही बढ़ते जाते हैं, पीछे पलट कर नहीं देखते। बहुत अच्छी स्थिति है ये, तो ऐसे लोगों को भी भाग्य रेखा की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बिंदु थे भाग्य रेखा से संबंधित बिंदु जो मुझे लगा कि ये चीज़ बताना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको भाग्योदय से संबंधित बिंदु बता दिए। अगला नेक्स्ट वीडियो में कभी ये भी बिंदु बताऊंगा कि भाग्योदय तो हो गया, आप सक्सेस तो हो गए, लेकिन उसके बाद बुढ़ापा कैसे आपका ख़राब होता है, क्या कारण होते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए ठीक है, आज का बिंदु मैं यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगर पसंद आया हो लाइक ज़रूर करना, और चाहते हैं दोबारा मुझे सुनना, लगता है कि सुनने लायक हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।